मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतें आर्थिक संकट से जूझ रही है, जिसके कारण गांव के विकास की रफ्तार बिल्कुल धीमी पड़ गई है, जिसके चलते इस बार निर्वाचित हुए सरपंचों का सरकार से मोहभंग होता जा रहा है। इसके बाद की राजधानी भोपाल में सरकार द्वारा आयोजित सरपंचों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम में देखने को मिली। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाषण के दौरान आधा पंडाल खाली पड़ा रहा। प्रदेश के कई ग्राम पंचायत के सरपंचों ने कार्यक्रम में शामिल होने की रुचि नहीं दिखाई। सरकार ने कार्यक्रम में करोड़ों रुपए खर्च किए थे, लेकिन कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कुर्सियां खाली पड़ी रही। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणाओं की बौछार लगा दी। मुख्यमंत्री ने सरपंचों को मिलने वाले मानदेय को 1750 से बढ़ाकर 4250 रुपए कर दिया है। हालांकि 6 माह से अधिक समय से सरपंचों को 1750 रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय नहीं मिला है। वहीं प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की घोषणा की गई है। ईएमएस टीवी के लिए राम पवार की रिपोर्ट।